हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। तो आज फ्रेंड्स हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो मैंने आपको आगे भी सजेस्ट किया है, और वो प्रोडक्ट था फ्रेंड्स ये बायो स्प्रे। अब जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो बायो स्प्रे है ये बेसिकली एक सीवीड फर्टिलाइज़र है। तो आज का जो प्रोडक्ट फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो भी एक सीवीड फर्टिलाइज़र ही है, लेकिन वो कंपनी अलग है। जैसे कि ये रैंकर कंपनी का प्रोडक्ट है, वो इफ़को कंपनी का प्रोडक्ट है। तो मेरा ये प्रोडक्ट से इफ़को पे जाने का रीज़न एक ही है कि ये जो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है मुझे। ये 250 ml का बोतल मुझे 175 रुपीज़ या तो 185 रुपीज़ के आसपास मुझे लोकल नर्सरी से परचेज़ करनी पड़ती है। जबकि फ्रेंड्स मैं ये जो इफ़को का प्रोडक्ट लाता हूँ सागरी का, ये भी एक बेसिकली सीवीड प्रोडक्ट है और ये मुझे पड़ा है 135 रुपीज़ में 250 ml। यानी कि मुझे ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ टू 40 रुपीज़ का बेनिफिट मुझे हो रहा है। और ये जो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट इफ़को का है, तो ये भी बेसिकली सीवीड फर्टिलाइज़र है, तो मुझे थोड़ा सा बेनिफिट हो रहा है कॉस्टिंग में। उसकी वजह से फ्रेंड्स मैंने ये प्रोडक्ट अभी परचेस किया है। तो ये प्रोडक्ट फ्रेंड्स हम देख लेंगे कि आज ये प्रोडक्ट किस हिसाब से हम अपने गार्डन में यूज़ करते हैं और ये प्रोडक्ट का बेनिफिट हमें क्या क्या होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये एक सीवीड प्रोडक्ट है। इसका डोजेज फ्रेंड्स हमें 3 से 5 ml लेना है, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको ज़्यादा लोगे तो भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ये प्रोडक्ट के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम रहती है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट आपके प्लांट के लीव्स को बर्न नहीं करेगा। आप इसको पूरे साल यूज़ कर सकते हैं, समर्स में यूज़ कर सकते हैं, विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं, मॉनसूनस में यूज़ कर सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स आप ये प्रोडक्ट को। और इसको अर्ली मॉर्निंग यूज़ करिए फ्रेंड्स। अर्ली मॉर्निंग यूज़ करने का एक ही बेनिफिट होगा कि पूरे दिन फ्रेंड्स ये जितने भी आप प्रोडक्ट के आपने जितना भी स्प्रे किया है अपने प्लांट के लीव्स के ऊपर, वो धीरे धीरे प्लांट वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा और धीरे से प्लांट के लीव्स सारे ड्राई हो जाएंगे और प्लांट को ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अगर आप रात को भी यूज़ करना चाहते हो तो कोई भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको सुबह के टाइम ज़्यादा काम रहता है, वो अपने जॉब में बिज़ी रहते हैं या तो अपने घर काम में बिज़ी रहते हैं, इसलिए रात के टाइम आप इसको स्प्रे कर सकते हो। अब मैं फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट की बेनिफिट्स की बात कर लेता हूँ। ये प्रोडक्ट के अंदर नाइट्रोजन नहीं रहता, लेकिन ये प्रोडक्ट के अंदर फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जिसकी वजह से आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। आपके प्लांट के ऊपर लीव ग्रोथ बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी, आपके प्लांट की ब्रांचेस डेवलप होगी। साथ में दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि इसके आपके प्लांट के ऊपर जो पेस्ट और इंसेक्ट्स और फंगस लगते हैं उसकी क्वांटिटी भी प्लांट कंट्रोल कर सकता है। यानी कि प्लांट अपने आप को इतना स्ट्रांग बना देगा कि जितने भी पेस्ट और फंगस लगते हैं वो अपने आप को बचाने में थोड़ा कैपेबल बना देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि हमें फंगीसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रे करना बंद कर लेना है। फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का तो स्प्रे आपको करना ही होगा, भले आपका प्लांट हेल्दी हो तो भी, क्योंकि इसमें आपके प्लांट्स की ही बेनिफिट होगी। प्लांट जितना हेल्दी रहेगा, जितना पेस्ट और फंगस से फ्री रहेगा, उतने ही ज़्यादा वो अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देगा और आपके प्लांट की ग्रोथ और ज़्यादा होगी। तो बेसिकली फ्रेंड्स बेनिफिट तो ये सीवीड फर्टिलाइज़र का ये भी है कि इससे स्प्रे करने से प्लांट के अंदर पेस्ट और फंगस ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन फिर भी चांसेस रहते ही है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमें पेस्टिसाइड्स और फंगीसाइड का स्प्रे तो ज़रूर कर लेना है। अब फ्रेंड्स ये तीसरा बेनिफिट ये प्लांट का ये रहेगा कि ये आपके प्लांट के जो फ्लावर्स होंगे, फ्लावर्स की जो साइज़ रहेगी वो भी बढ़ा करेगा, क्योंकि जैसे ही प्लांट के न्यूट्रिशंस बढ़ेंगे, प्लांट हेल्दी होगा, तो प्लांट के जो फ्लावर्स और फ्रूट्स की साइज़ होगी वो भी बड़ी होगी और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स ये सीवीड फर्टिलाइज़र के। तो आपको इसको अप्लाई करना है वीकली 2 बार, या तो आप वीकली 1 बार अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। वीकली फ्रेंड्स 2 बार अप्लाई करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे कि अभी मॉनसून की सीज़न चल रही है, प्लांट की अभी ग्रोइंग सीज़न है और विंटर सीज़न में भी प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। तो जब प्लांट की ग्रोइंग सीज़न हो और ऐसी कंडीशन में जब आप अपने प्लांट के ऊपर कोई ऐसा फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हो जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती हो, तो बाद में आपकी प्लांट की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होगी, प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रो होने लगेगा। तो ग्रोइंग सीजन्स में अगर आप इसको वीकली 2 बार स्प्रे करोगे तो बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आपका प्लांट एक्सेप्ट कर लेगा और ग्रोथ भी अच्छी करेगा। और समर्स में भी फ्रेंड्स आप इसको वीकली 2 बार स्प्रे कर सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि समर्स में भी प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है, प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में चला जाता है जिसकी वजह से प्लांट अपनी ग्रोथ थोड़ी स्लो कर लेता है। और ऐसे में जब आपने कोई ऐसा सीवीड फर्टिलाइजर्स वगैरह आप अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करोगे तो बाद में आपके प्लांट के ऊपर आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। समर्स में भी फ्रेंड्स आपके प्लांट के लीव्स ग्रीन देखने को मिलेंगे, प्लांट स्ट्रेस फ्री देखने को मिलेगा।
अब फ्रेंड्स दूसरा इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि जब भी आपका प्लांट स्ट्रेस में हो, यानी कि आपके प्लांट के ऊपर कोई पेस्ट लग गया हो और बाद में आपने पेस्टिसाइड फंगीसाइड डाल के पेस्ट को तो भगा दिया हो, लेकिन फिर भी आपका प्लांट तब थोड़ा स्ट्रेस में हो जाता है, प्लांट थोड़ा वीक हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में अगर आप वीकली बेसिस पे या तो वीकली दो बार ये सीवीड फर्टिलाइजर आप अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करोगे तो बाद में आपका प्लांट स्ट्रेस में से बहुत ही जल्दी बाहर निकल जाएगा। आपने शायद प्लांट को रिपोर्ट भी किया हो, प्लांट के रूट सिस्टम थोड़े से डैमेज हो गए हो, तो ऐसी कंडीशंस में भी आपका प्लांट स्ट्रेस में जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप अपने प्लांट के ऊपर ये सीवीड फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करोगे तो बाद में आपका प्लांट बहुत ही जल्दी स्ट्रेस में से बाहर निकल जाएगा और आपके प्लांट की ग्रोथ फिर से स्टार्ट होने लग जाएगी। तो ये भी इसका बेनिफिट है फ्रेंड्स सीवीड फर्टिलाइजर का। तो ये जो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट आपको कभी भी निराश नहीं करेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है फ्रेंड्स हमारे गार्डनिंग के लिए। अगर आप ये सीवीड फर्टिलाइजर परचेस करना चाहते हो तो superkisan.com करके एक वेबसाइट है फ्रेंड्स, इफ्को की वेबसाइट है, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो। और ये सुपर किसान नाम की फ्रेंड्स ऐप मोबाइल में एप्लीकेशन भी आती है, तो वो एप्लीकेशन आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, बाद में जो डिटेल्स भरने हैं वो सारे डिटेल्स भर के आप ये प्रोडक्ट वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं सीवीड फर्टिलाइज़र मैं अपने गार्डन में ऑलमोस्ट एक साल से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। तो अब तक फ्रेंड्स मैं बायो स्प्रे यूज़ करता था, लेकिन अब मैंने थोड़े चेंजेस कर लिए हैं, अब मैं सागरिका का प्रोडक्ट यूज़ करूँगा क्योंकि इसमें मुझे थोड़े 40-50 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है। 40-50 रुपये का बेनिफिट फ्रेंड्स मेरे लिए ज़्यादा है, क्योंकि एक पौधा मेरे लिए एक आ सकता है या तो मैं एक पॉट परचेस कर सकता हूँ। तो कुछ भी बेनिफिट हुआ उसका तो बेनिफिट हमें लेना ही है। तो कोई भी फ्रेंड्स हमें रेट्स में थोड़ा सा बेनिफिट हुआ और अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है तो हमें पहले वही प्रोडक्ट पे जाना है। तो इफ़को एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इफ़को के प्रोडक्ट सारे अच्छे आते हैं। तो इफ़को का फ्रेंड्स मैंने पोटेशियम सल्फेट भी यूज़ किया है मेरे हाइबिस्कस के अंदर और बहुत ही अच्छा मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो अभी मैंने सागरी का भी परचेस कर लिया है। तो आपको संडे अपडेट की वीडियोस में फ्रेंड्स मैं अपने प्लांट्स को दिखाता रहता हूँ, आपको भी पता चल जाएगा कि इसका मुझे क्या बेनिफिट मिला है। और ये प्रोडक्ट को फ्रेंड्स आप किसी भी प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी प्लांट हुआ, ये फ्लावरिंग वाले प्लांट हुए, फ्रूटिंग वाले प्लांट हुए, या तो पत्तों वाले प्लांट हुए, या तो आपको इंडोर प्लांट हुए, आउटडोर प्लांट हुए, कोई भी प्लांट हुआ फ्रेंड्स, एडेनियम्स हुए, कैक्टस हुए, सक्यूलेंट्स हुए, किसी भी टाइप के पौधे के ऊपर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि हर एक प्लांट की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से वो ग्रोथ कर सकता है। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्चुअली फ्रेंड्स इसका डोजेज जो मैं लाता हूँ उससे भी बहुत ही कम है, यानी कि इसको मैं 5 ml यूज़ करता हूँ, लेकिन इसको मैं यूज़ करूँगा सिर्फ 3 ml, उससे ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 ml हमें लेना है फ्रेंड्स 1 liter नॉर्मल पानी के अंदर। तो मेरे पास 8 liter की स्प्रे बॉटल है और मैं अपने सारे प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करने वाला हूँ, तो मैं 8 liter में इसको बनाऊँगा, यानी कि मैं 25 ml जितना ले लूँगा एवरेज। अगर आप 25 से 30 ml भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये एक टोटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और ये आपके प्लांट्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मैं 25 ml जितना ले लेता हूँ 8 liter पानी में, और कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स कि किस हिसाब से ये लिक्विड दिखता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स ये देख रहे हैं, ये मेरे पास एक 8 liter की स्प्रे बॉटल है। स्प्रे बॉटल्स के ऊपर भी मैं वीडियो बहुत ही जल्द बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स स्प्रे बॉटल के बारे में भी पूछ रहे हैं। और स्प्रे बॉटल फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे गार्डनिंग में, अगर स्प्रे बॉटल नहीं रहेगी तो बाद में आपके प्लांट्स को ग्रो करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो एक अच्छी स्प्रे बॉटल हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो मैं बनाऊँगा फ्रेंड्स, ताकि आपको भी आइडिया आ जाए कि हमें कौन से टाइप की स्प्रे बॉटल हमारे गार्डन के लिए सिलेक्ट करनी है। तो अभी फ्रेंड्स ये जो प्रोडक्ट है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। हमारा जो नॉर्मल सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो थोड़ा ब्लैकिश टाइप का होता है, और इसका कलर भी देख लेते हैं कि इसका कलर कैसा है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने इसको ओपन कर लिया, और अगर आप इसका कलर देख रहे हो तो इसका कलर सेम हमारे जो लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र है उसके जैसा ही है। तो हमें 25 ml जितना लेना है तो मैं 25 ml जितना ले लूँगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा कि ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये ब्लैक कलर का ही है, यानी कि हमारे जो सीवीड फर्टिलाइज़र है उसके जैसा ही ये सेम लिक्विड है। तो लिक्विड में ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं दिखेगा। और अब मैं इसको ये स्प्रे बॉटल में डाल देता हूँ और 8 liter पानी इसके अंदर डाल देता हूँ। फ्रेंड्स जब भी आप अपने स्प्रे बॉटल के अंदर पानी डालते हो तो हमेशा फ़िल्टर करके डालिए, क्योंकि पानी के अंदर कुछ कचरा वगैरह रहता है।
जो आपके स्प्रे बॉटल के नोजल्स में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से स्प्रे नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, अब हमने ये फर्टिलाइज़र 8 लीटर पानी के अंदर मैंने डाल दिया है और इसको मैं बंद करके अभी हम स्प्रे करना इसको स्टार्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने रोजेस के ऊपर स्प्रे करना स्टार्ट कर लूँगा। हमें ये जो फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स हर एक प्लांट के ऊपर स्प्रे करना हो, कोई भी पौधा हुआ, आपका रोजेस का पौधा हुआ, हाइबिस्कस हुआ, या तो आपके पत्ते वाले प्लांट हुए, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सभी प्लांट्स को ज़रूरत होती है और ये जो सीवीड फर्टिलाइज़र होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये है मेरी वीडियो फ्रेंड्स, ये सीवीड फर्टिलाइज़र सागरी का प्रोडक्ट के ऊपर। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।